देखो भैया, नाउ दिस इज पेज नंबर वन, इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के रोटेशन के कारण क्या इफेक्ट होता है? तो सपोज हमने ये यहां पे अर्थ कंसीडर किए, ये हो गया इसका सेंटर और ये है इक्वेटर लाइन यहाँ पे, है ना. दिस इज इक्वेटर लाइन और ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. एंड टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज 24 आवर. ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T. आप लिख सकते हो ये इतनी एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ क्या हो रही है, रिवॉल्व कर रही है. तो अर्थ के रोटेशन के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रेविटी पे, ये कैलकुलेशन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ के रोटेशन के कारण. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेटर लाइन पे 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है और पोल पे कितने डिग्री का लैटिट्यूड होता है, 90 डिग्री का लैटिट्यूड होता है. तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन, सपोज ये देखो ये इसको अर्थ मान लो, तो ये जो लाइंस होती ना ये कौन सी होती, ये लॉन्गिट्यूड होती और लैटिट्यूड ये बीच में मैंने इक्वेटर बना दिया यहाँ पे, है ना, इक्वेटर लाइन ऐसे. समझ गए? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ये इक्वेटर लाइन है तो ये 0 डिग्री, फिर जैसे ऐसा देखोगे और ऊपर जाओगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60, ऐसा. पोल पे जो लैटिट्यूड होती है, लैटिट्यूड वाली लाइन, वो 90 डिग्री तक जाती है ना. पोल पे 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना होता है, 0 डिग्री होता है. समझ गए? लॉन्गिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन, समझ गए ना, लॉन्गिट्यूड लाइन एंड लैटिट्यूड लाइन. और मान लो यहाँ पे मैं कोई पार्टिकल इमेजिन कर लूं, ये सपोज हमने कोई पार्टिकल इमेजिन किए, ये कितने डिग्री के लैटिट्यूड पे, थीटा डिग्री के लैटिट्यूड पे. सो दिस थीटा इज, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे कोई पार्टिकल सिचुएटेड है अर्थ सरफेस पे. नाउ पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, मतलब ये थीटा डिग्री लैटिट्यूड है, थीटा डिग्री के लैटिट्यूड पे पॉइंट पी है, है ना, या पार्टिकल है. तो ये पार्टिकल किस सर्कल में रोटेट हो रहा है, ये देख सकते हैं अपन, पार्टिकल किस सर्कल पे रोटेट हो रहा है यहाँ पे. पार्टिकल बेटा इस सर्कल में रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ये वाले सर्कल में पार्टिकल इस सर्कल को ट्रेस कर रहा है रोटेशन पे, है ना. क्लियर हो गया? तो इसकी रेडियस अलग आएगी, अर्थ की रेडियस अलग है, पार्टिकल के रोटेशन की रेडियस ही अलग हो गई यहाँ पे. तो ये पार्टिकल की रेडियस ये है, सॉरी अर्थ की रेडियस ये आर हो गई. पार्टिकल इस रेडियस पे रोटेट हो रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इस रेडियस पे. समझ गए कि नहीं? पार्टिकल इस सर्कल में रोटेट हो रहा है और ये अर्थ की रेडियस है यहाँ पे. अर्थ की रेडियस यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है. अपन स्ट्रेस ही ले लें, कंसीडर कर लें यहाँ पे. बट दिस पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन दिस सर्कल. ठीक है, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पार्टिकल इमेजिन कर लिया, जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल अगर मैं ले लू तो ये किस सर्कल में रोटेट होगा देख सकते हो आप, है ना, ये वाला सर्कल बनेगा यहाँ पे, है ना. दिस इज नॉट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ का सेंटर से आप अगर देखोगे तो रेडियस अलग आ गई. ये पार्टिकल के रोटेशन की रेडियस अलग है, इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस अलग है. इक्वेटर पे जो पार्टिकल रोटेट करेगा उसकी रेडियस अर्थ के बराबर होगी, लेकिन अलग लैटिट्यूड पे जो पार्टिकल हम ले रहे हैं उसकी रेडियस अलग आएगी. तो ये पार्टिकल इस रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है. अब बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं, देखो यहां पर भी ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, थीटा डिग्री का. तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगर यूज कर लूं यहां पे, तो कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू लिख सकते हैं हम कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा, जहां पे कैपिटल आर अर्थ की रेडियस। इस पार्टिकल पे फोर्स लिखते हैं, पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पार्टिकल पे, ये आ गया इस पे नॉर्मल रिएक्शन, mg हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लिखोगे, और हम अर्थ के फ्रेम से देख रहे हैं, मतलब हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, अर्थ से। तो अगर हम अर्थ से ऑब्जर्व करें तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। m किसका मास है, पार्टिकल का, अर्थ का मास नहीं, अर्थ का मास कैपिटल m, दिस इज द मास ऑफ पार्टिकल, ये स्मॉल m पार्टिकल का मास है, ठीक है। तो पार्टिकल पे हम अगर अर्थ के फ्रेम से देखेंगे तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के जो सेंटर है, इसका जो सर्कल उसके सेंटर के बाहर की तरफ लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया इस पे, ठीक है। और एंगल भी अगर आप देखोगे तो ये एंगल भी यहां पर कितने डिग्री का बन रहा है, ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ये थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला बन गया। अब इसमें नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर हम एफ सी को रिजोल्व कर दें तो ये हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा नॉर्मल के डायरेक्शन पे, तो इसी का कंपोनेंट ये हो गया नॉर्मल के डायरेक्शन पे एफ सी कॉस थीटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया यहाँ पे, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम अर्थ के फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल ये कैसा है, रेस्ट पे। नाउ पार्टिकल इज एट पॉइंट पी एट थीटा लैटिट्यूड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम यहां से देखेंगे तो हमको ये रेस्ट भी लगेगा, है ना, ठीक है। तो पार्टिकल इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, या अर्थ के फ्रेम से पार्टिकल रेस्ट पे, मतलब पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो अब पार्टिकल के लिए, पार्टिकल पे अर्थ के फ्रेम से नेट फोर्स जीरो है, सो देयरफॉर नॉर्मल प्लस एफ सी कॉस थीटा ये किसके इक्वल आएगा, एमजी के इक्वल रहेगा। नॉर्मल प्लस इसका कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट किस डायरेक्शन पे, नॉर्मल के डायरेक्शन पे, तो एन प्लस एफ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी, एंड नॉर्मल को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू mg माइनस fc cos थीटा। एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है यही होता अपीरेंट वेट, अपीरेंट वेट मतलब m इंटू g इफेक्टिव आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे आप m इंटू g इफेक्टिव ले लो इक्वल्स टू mg, ये रियल वेट हो गया, ये अपीरेंट वेट हो गया, माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला लगा दो m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r इनटू कॉस थीटा। इस पे हम देख सकते हैं कि भाई मास वाला जो टर्म है वो तीनों जगह पे था, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर जो g इफेक्टिव आ रही है यहाँ पे फार्मूला, g इफेक्टिव विल बी g माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये स्मॉल r की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो कैपिटल r cos थीटा, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल r cos थीटा पुट कर दो, तो ये बन जाएगा बेटा r और cos थीटा एक और है, तो ओवरऑल हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे सिंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r cos थीटा है, तो एक cos थीटा पहले से है और एक और ये आ गया कैपिटल r के साथ में, तो cos स्क्वायर थीटा। तो g इफेक्टिव का फार्मूला इस तरह से आ गया, रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटी की वैल्यू इस तरह से अफेक्ट होती है, ये फार्मूला आ गया निकल के। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण ये इफेक्ट आया। अब हम यहाँ पे देखें कि भाई पोल पे और इक्वेटर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए तो इसी फार्मूले को हम देखें, एट पोल पे, तो पोल पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, तो जी इफेक्टिव किसके बराबर बचेगा, जी के बराबर बचेगा, ठीक है। पोल पे थीटा
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो गया जीरो, तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका जीरो, जी इफेक्टिव जी बचेगा पोल पे, मतलब अर्थ के रोटेशन का जी की वैल्यू पे पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोल पे एज इट इज रहता है। सबसे ज्यादा फर्क कहां पे पड़ेगा, जी इफेक्टिव इक्वेटर पे, तो एट इक्वेटर पे अगर आप देखोगे तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू होती है जीरो डिग्री, तो फिर जी इफेक्टिव कितना बचेगा यहाँ पे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बचेगा, क्योंकि कॉस जीरो हो गया वन, तो इक्वेटर पे ये सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अर्थ के रोटेशन का। सबसे कम इफेक्ट कहां पे पड़ता है, पोल पे, जी इफेक्टिव जी के बराबर ही रहेगा। अर्थ के रोटेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे पड़ रहा है, इक्वेटर पे पड़ रहा है, ठीक है, जी इफेक्टिव इतना आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि अगर अर्थ अपने एक्सिस पे बहुत फास्ट रोटेट होने लगे तो इक्वेटर पे या किसी पॉइंट पे वेटलेसनेस की कंडीशन आ सकती है। तो वेटलेसनेस कंडीशन कैसे लिखेंगे अपन, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं उसको, वेटलेसनेस कंडीशन एट इक्वेटर। कहीं पर भी अगर वेटलेसनेस लिखना है तो वेटलेसनेस का मतलब क्या आएगा, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस का मतलब है जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो होना, उसी को हम वेटलेसनेस बोलते हैं। जी इफेक्टिव अगर जीरो मतलब वो वेटलेसनेस है। तो नाउ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस एट इक्वेटर, इक्वेटर के लिए क्या कंडीशन बनेगी वेटलेसनेस की, देख सकते हैं अपन। सो एट इक्वेटर जी इफेक्टिव इज जीरो, अगर अपन कर दें तो ये टर्म बचेगा आपका g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, सो व्हाट इज ओमेगा, इट इज अंडर रूट g डिवाइडेड बाय r बचेगा। तो वेटलेसनेस की कंडीशन, इक्वेटर पे एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट g अपॉन r, या फिर टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, 2 पाई बाय ओमेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये जाएगा 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी सॉल्व करोगे इक्वेटर पे वेटलेसनेस की कंडीशन। तो आगे से याद रखो, कहीं पर भी अगर टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी आती है तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे 1.4 आवर आती है, ये याद रखो ये डेटा। आप आर की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 6400 किलोमीटर आप पुट कर दो, और अर्थ सरफेस पे जो जी होता 9.8 या 10 पुट कर दो, तो आगे से याद रखो ये कई बार यूज में आएगा, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 1.4 आवर होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो अर्थ अपने एक्सिस पे बहुत फास्ट घूमने लगे, अभी टाइम पीरियड कितना रोटेशन का, 24 आवर है, अगर मान लो अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना हो जाए, 1.4 आवर हो जाए, तो जो लोग इक्वेटर पे हैं, इक्वेटर पे रहने वाले लोग क्या फील करने लगेंगे, वेटलेसनेस फील करने लगेंगे, उनको अपना वेट फील नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, जो लोग इक्वेटर पे हैं उनको वेट फील नहीं होगा, वो वेटलेसनेस फील करने लगेंगे, समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। सर हाँ सर, वो जो आपने जी इफेक्टिव लिखा है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर छोटा आ रहेगा ना, नहीं कैपिटल आर बना दिए ना अपन ने, अर्थ की रेडियस वाला बना दिया, पहले स्मॉल आर कॉस थीटा अकेला है, स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल आर कॉस थीटा के इक्वल, देख लेफ्ट साइड। हाँ हाँ समझ गया, समझ गया ना। और सर वो जो एफ सी कॉस थीटा का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस करेगा, वो फ्रिक्शन के कारण या कोई और फैक्टर के कारण बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, यहां से देख रहा है तो वो फ्रिक्शन से बैलेंस हो जा रहा है, ऐसा सोच लो बाहर से, ठीक है ठीक है, और अगर अपन सरफेस से देखेंगे बिल्कुल उसी के पास में तो बैलेंस करने के लिए बस फ्रिक्शन ही है जो बैलेंस करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन ही लगेगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट पे, पेज नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हेलो स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सर हो गया।
Now this is page number 2. पेज नंबर 2 ठीक है देखो अभी अर्थ के शेप के कारण भी ना ग्रेविटी पे इफेक्ट आता है. पोल की तरफ की रेडियस और इक्वेटर की तरफ की रेडियस सेम है क्या अर्थ की, है ना. अर्थ का शेप कैसा, देखो ये पोल हो गया, पोल के अबाउट ये रोटेट हो रही है अर्थ, है ना ऐसे. तो यहां से अगर अपन दबा दें ऐसा ये आएगा ना अर्थ का शेप. इक्वेटर के तरफ अर्थ की रेडियस कैसी है, ये अर्थ का जो शेप है इफेक्ट ऑन ग्रेविटी, इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ. अर्थ का जो शेप है ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है ना, तो ये इक्वेटर. इक्वेटर और पोल की तरफ की रेडियस में फर्क है कि उतनी सेम रेडियस है. तो दिस इज द रेडियस अबाउट इक्वेटर, दिस इज द रेडियस अबाउट पोल. तो इक्वेटर और पोल की जो रेडियस है ना उसमें फर्क है लगभग लगभग 20-21 किलोमीटर का फर्क है. मतलब पोल के तरफ की रेडियस कम है और इक्वेटर की तरफ की रेडियस थोड़ी सी ज्यादा है. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. रेडियस ऑफ इक्वेटर माइनस रेडियस ऑफ पोल इज नियरली 20 किलोमीटर, इतना डिफरेंस है रेडियस पे, लगभग लगभग 20 किलोमीटर का. बट इट इज नेग्लिजिबल. अगर आप 6400 किलोमीटर लेते तो नेग्लिजिबल है, लेकिन है तो ना 20 किलोमीटर का डिफरेंस है ना. यहाँ की रेडियस ज्यादा है, यहाँ पर की रेडियस कम है. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई ग्रेविटी का जो फार्मूला सरफेस पे gm डिवाइडेड बाय कितना r स्क्वायर पढ़े ना. तो अगर रेडियस कम रहेगी तो g की वैल्यू ज्यादा रहेगी, रेडियस ज्यादा रहेगी तो g की वैल्यू कम. तो इक्वेटर पे ग्रेविटी ये हो गई और पोल पे ये ग्रेविटी हो गई. कौन सी वाली ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर की ग्रेविटी ज्यादा होगी कि पोल की ग्रेविटी ज्यादा होगी? पोल की. हाँ, पोल की ग्रेविटी ज्यादा होगी, है ना. रेडियस कम है तो देयरफॉर यहाँ पे जो पोल की ग्रेविटी इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेविटी एट इक्वेटर. तो ये अर्थ के शेप के कारण, समझ गए. एक रोटेशन के कारण भी होता है. मतलब आप समझ लो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है, पोल पे होती है. तो शेप का भी काम आ गया वहां पे. अर्थ का जो रोटेशन वाला पार्ट है उसको भी हमने देख लिया. तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी अर्थ की कहां पर होती है, पोल पर होती है. ठीक है, एक तो रेडियस का फैक्टर भी बन गया और एक फैक्टर रोटेशन के कारण भी आ गया. क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो ये अर्थ के शेप के कारण ग्रेविटी इस तरह से. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का. आगे की कॉन्सेप्ट तो याद है, पेज नंबर 3 पे स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 3 पे. सर हाँ, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ. क्यों बेटा? सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा. नहीं लग रहा? तबीयत ठीक है? थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत ठीक है तो आप ब्रेक में लगाएंगे क्या? अरे चल. अच्छा ठीक है, लीव करते मैं वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देख लेना फिर, है ना. ठीक है सर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है पेज नंबर 3. अभी नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेविटी ड्यू टू. देखो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी आप बोल सकते हो. तो यहां पे हम लिख रहे हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही बात होगी. हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड यूज करें हम या ग्रेविटी वर्ड यूज करें एक ही बात रहेगी. ठीक है, ग्रेविटी वर्ड यूज करें या ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड यूज करें एक ही बात रहेगी, दोनों का मतलब एक ही होता है. ग्रेविटी बोलें या ग्रेविटेशनल फील्ड बोलें एक ही बात है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख ले रहे हैं ग्रेविटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर के लिए. तो यहाँ पे ग्रेविटी ड्यू टू
सॉलिड स्फीयर, तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है. एंड ड्यू टू स्फेरिकल सेल मतलब फुटबॉल है ना, सॉलिड स्फीयर मतलब शॉर्टपुट. तो सॉलिड स्फीयर की जो ग्रेविटी है ये किसके जैसा आएगा, इट इज लाइक अर्थ, अर्थ के जैसा. जो हमने कैलकुलेशन किया ना अर्थ का, बिल्कुल वही फार्मूला रहेंगे सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटी के लिए. तो मान लो हमारे पास में यहाँ पे ये एक सॉलिड स्फीयर हमने लिए, तो सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटी का जो फार्मूला आएगा ये बिल्कुल किसके जैसा रहेगा, अर्थ के जैसा रहेगा. ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गई इसकी रेडियस, ये हो गया इसका टोटल मास. तो अगर हम इसकी ग्रेविटी बाहर के किसी पॉइंट पर देखते, जैसे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, बाहर के किसी पॉइंट पे आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ पे ग्रेविटी का फार्मूला कितना होता है, जी एच हम लिख दे रहे हैं सबस्क्रिप्ट में क्योंकि हाइट की हम बात कर रहे हैं, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर. ये ग्रेविटी होती है. कहाँ पे ग्रेविटी होती है, बाहर. सरफेस पे अगर आपको ग्रेविटी देखनी है यहाँ पे, तो सरफेस पे ये रेडियस आर है, सरफेस पे बेटा फार्मूला क्या आएगा जी का, इट इज जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो गया सरफेस पे ग्रेविटी. अंदर के किसी पॉइंट पे अगर आप ग्रेविटी देख रहे हैं, यहाँ पे अंदर के किसी पॉइंट पे अगर आप ग्रेविटी देख रहे हो, तो यहाँ पे अंदर के किसी पॉइंट पे ये सेंटर से यहां तक की रेडियस है, यहाँ पे ग्रेविटी का फार्मूला डेप्थ के लिए लिखते हैं अपन जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर. तो ये फार्मूला ये ध्यान रखो, हमने अर्थ के लिए भी यही फार्मूला कैलकुलेट किए हैं. सरफेस पे ये है, बाहर ये है और अंदर पे ये है. तो सॉलिड स्फीयर में अंदर भी ग्रेविटी होती है जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है. अगर हम स्फेरिकल सेल ले लें, यहाँ पे स्फेरिकल सेल, तो ध्यान रखो स्फेरिकल सेल के लिए, ये स्फेरिकल सेल मैंने लिया, स्फेरिकल सेल में भी जो फार्मूला आएगा बाहर, यहाँ पे जो ग्रेविटी आएगी हाइट पे, इट इज जी एम डिवाइडेड बाय आर स्मॉल आर स्क्वायर. बाहर यही फार्मूला अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटी का, जो स्फीयर के लिए वही इसके लिए. सरफेस पे भी यही फार्मूला रहेगा ग्रेविटी का, ठीक है. सरफेस पे भी ग्रेविटी का फार्मूला यही आएगा जो स्फीयर के लिए है. तो सरफेस पे ग्रेविटी कितनी आएगी इसकी, इट इज जी इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर क्या है, इसकी रेडियस है, मास कितना है एम. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंदर कितनी ग्रेविटी होती है इसके. तो यहाँ पे अंदर आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटी जीरो होती है, ठीक है. अंदर पे स्फेरिकल सेल पे किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटी जीरो होती है. मैं अभी इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं कि क्यों होती है, हम इनडायरेक्ट प्रूफ करेंगे लेकिन आगे करेंगे, मे बी इस साल करेंगे और नहीं तो फिर हम इसका जो डिस्कशन है वो अगले साल आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं. तो मैं अभी इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ. हाँ, आप ऐसा समझ लो कि इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी है, देखो स्फेरिकल सेल के सारे पार्टिकल यहाँ पे ग्रेविटी क्रिएट करते हैं लेकिन उन सबका वेक्टर सम कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है. लेकिन यहाँ पर सभी का वेक्टर सम जीरो नहीं हो पाता क्योंकि हमने यहाँ पे एक इफेक्टिव स्फीयर ले लिए थे. इस इफेक्टिव स्फीयर के कारण सम जीरो नहीं हो पाता लेकिन जो बाहर का जो पोर्शन बचता है उसके कारण जीरो हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर पे अंदर ग्रेविटी होती है लेकिन स्फेरिकल सेल में अंदर नेट ग्रेविटी कितनी मिलती है, हमको जीरो मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना. स्फेरिकल सेल में अंदर नेट ग्रेविटी जीरो रहती है, ठीक है. बाहर का जो फार्मूला वो सॉलिड स्फीयर के लिए वही है और सेल के लिए भी वही है लेकिन सेल में अंदर नेट ग्रेविटी जीरो होती है. मतलब अगर मैं कोई पार्टिकल यहाँ पे प्लेस कर दूं, जैसे मान लो अगर मैं अंदर यहाँ पे कोई पार्टिकल प्लेस कर देता हूँ, जैसे एक पार्टिकल लिया, इसका मास m नॉट है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अंदर. यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस पार्टिकल पे, fg इज इक्वल टू m नॉट इंटू gd, ये वाला फार्मूला लग जाएगा. यहाँ पे अगर हम पार्टिकल रख दें m नॉट, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे बाहर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा m नॉट इंटू gh लग जाएगा.
सरफेस पे अगर हम पार्टिकल रख दें एम नॉट मास का, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एफ जी, इट इज गिवन बाय एम नॉट इनटू जी। तो यहां पे पार्टिकल रखोगे तो एम नॉट जी, यहां पे पार्टिकल है एम नॉट जी एच, ये वाली ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दो। यहां पे पार्टिकल रख रहे हैं उस पे कितना फोर्स लग रहा है, पार्टिकल का मास और यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से फोर्स कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा, तो अगर मैं अंदर यहां पे कोई पार्टिकल रख दूं तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, जीरो। अंदर पे इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा क्योंकि अंदर यहां पे ग्रेविटी नहीं है। सरफेस पे पार्टिकल रखोगे उस पे लगेगा फोर्स, बाहर कोई पार्टिकल रख रहा है उस पे भी फोर्स लगेगा, यहां पे भी पार्टिकल रख दिया इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स इधर आएगा, इस पे भी फोर्स इधर आएगा। तो यहां पे जो फोर्स का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, यहां पर के लिए एम नॉट इनटू जी, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, दिस इज आल्सो एम नॉट इनटू जी एच, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रहेगा यहां पे। लेकिन अंदर कोई पार्टिकल अगर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है ना, स्फेरिकल बॉल, इसकी खुद की ग्रेविटी अंदर जीरो है, बाहर इस तरह के फॉर्मूले पे आ रही है, समझ गया ना। ये स्फेरिकल सेल फुटबॉल बॉल है, है ना, इसकी खुद की अंदर ग्रेविटी जीरो है। लेकिन मान लो हम किसी पत्थर के टुकड़े को इसके अंदर भर दें, है ना, ट्रांसपेरेंट है, तो वो पत्थर का टुकड़ा आपको दिखेगा नीचे आ गया बेस पे, है ना, आपको फील भी होगा, लेकिन वो नीचे किसके कारण आ रहा, अर्थ की ग्रेविटी है इसके अंदर, इसकी खुद की ग्रेविटी नहीं है, है ना। इसके अंदर अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी है इसके अंदर, इसकी खुद की ग्रेविटी नहीं है। यहां पे जैसे मैंने एक पेन ले लिया बाहर, तो इस सेल के अंदर इस पेन की ग्रेविटी आएगी लेकिन इसकी खुद की ग्रेविटी नहीं रहेगी। तो इसके अंदर जो ग्रेविटी आएगी वो बाकी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के कारण आएगा, इसकी खुद की ग्रेविटी इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया ये। अब हम अगर वेरिएशन देखें ग्रेविटी का, ग्राफ प्लॉट करें इसके लिए, इधर पे डिस्टेंस आर ले लिया मैंने, इधर पे ग्रेविटी ले लिया, ये हो गया सेंटर, ये आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो इसका जो ग्राफ है सेंटर से सरफेस तक आते आते ग्रेविटी बढ़ती है, उसके बाद ग्रेविटी डिक्रीज होती है ना, इनवर्स रेशियो को फॉलो करती है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेविटी है जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटी बढ़ते जाती है सॉलिड स्फीयर पे, लेकिन स्फेरिकल सेल में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ग्रेविटी का विथ डिस्टेंस, तो सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटी जीरो है, सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटी जीरो है, उसके बाद फिर ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम रहती है सरफेस पे और फिर ग्रेविटी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेविटी आउटसाइड द सरफेस ऑफ सेल, ये तो यहां पर का पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल चलेगा, लेकिन अंदर पे ग्रेविटी कितनी रहती है सेल के, जीरो रहती है। सो रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट, है ना, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे आते, पेज नंबर 4 पे। Now this is page number 4 अभी ना, ये पेज नंबर 4 है, नेक्स्ट है फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी पे ये आएगा यहां पे कि मान लो यहाँ पे स्पेस में मैंने कुछ पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल है मास m1, ये पार्टिकल है इसका मास है m2, और एक पार्टिकल ये ले लिया मैंने सपोज इसका मास है m3। अब यहाँ कहीं पे ये कोई पॉइंट p है जहां पे मुझे नेट ग्रेविटी बताना तीनों पार्टिकल के कारण,
स्पेस में ये एक पार्टिकल है, एक ये है, एक ये है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, इस पे हमें नेट ग्रेविटी बताना है कि भाई इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटी कितनी है, ठीक है, इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटी कितनी है। तो यहाँ पे ये वाला पार्टिकल भी ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है, ये भी ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है, और ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पे ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो फिर तीनों की जो इंडिविजुअल ग्रेविटी आएगी यहाँ पे, उसको विथ डायरेक्शन आप मेंशन कर लो, है ना। सपोज ये पहला वाले पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे, आर वन ये है, आर टू ये है, आर थ्री, तो फर्स्ट पार्टिकल के कारण पी पॉइंट पे ग्रेविटी इस साइड पे आएगी, दिस इज जी वन वेक्टर। सेकेंड वाले पार्टिकल की ग्रेविटी इधर रहेगी, दैट इज जी टू वेक्टर। थर्ड वाले पार्टिकल की ग्रेविटी इधर रहेगी, दैट इज जी थ्री वेक्टर। समझ गए। तो व्हाट इज द टोटल ग्रेविटी एट पॉइंट पी, नेट ग्रेविटी कैसे निकालोगे। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो जी वन का मैग्नीट्यूड आएगा जी एम वन डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर, जी टू का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे इट इज जी एम टू डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर, सिमिलरली जी थ्री का मैग्नीट्यूड देखोगे जी एम थ्री डिवाइडेड बाय आर थ्री का स्क्वायर। तो पी पॉइंट पे नेट ग्रेविटी कैसे निकालोगे, सो देयरफॉर नेट ग्रेविटी एट पॉइंट पी इज जी पी इज इक्वल्स टू जी वन वैक्टर प्लस जी टू वैक्टर प्लस जी थ्री वैक्टर। मतलब तीनों पार्टिकल की जो ग्रेविटी है उनका वैक्टर सम यहां पर नेट ग्रेविटी बनाएगा, या फिर टोटल ग्रेविटी बनाएगा, या टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। समझ गए कि नहीं। तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पे निकालना है या टोटल ग्रेविटी निकालना है, तो तीनों इंडिविजुअली कितनी ग्रेविटी यहां पे क्रिएट कर रहे हैं उसको क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। समझ गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो एक मैग्नेट ये लिया मैंने यहाँ पे, है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट के कारण यहां पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और ये बाहर की तरफ आएगी, ये फर्स्ट मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ है, तो इसके कारण यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी ना, बाहर की तरफ। समझ गए कि नहीं, दूर जाती हुई। दूसरी मैग्नेट अगर ले लो, एक और मैग्नेट ले लें अपन, लेकिन उसको किसी और डायरेक्शन में प्लेस कर दें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट और ले लिया, एक और मैग्नेट हमने स्पेस पर रख दिया, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, ये सेकंड मैग्नेट है, तो भैया ये सेकंड मैग्नेट भी तो यहाँ पे फील्ड जनरेट करेगी ना, तो इस सेकंड मैग्नेट के कारण यहाँ पे फील्ड इधर जाएगी, दिस इज बी टू। तो इन दोनों मैग्नेट के कारण यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इन दोनों का क्या आएगा, वेक्टर सम होगा। तो वैसे ही ग्रेविटी के लिए होता है, बिल्कुल वैसे ही ग्रेविटी के लिए होता है कि भाई हमें इस पॉइंट पर अगर नेट ग्रेविटी निकालना है कि यहाँ पे नेट ग्रेविटी कितनी है, तो इस पॉइंट पे सभी पार्टिकल जो ग्रेविटी क्रिएट कर रहे हैं उनका क्या करना, हमें वेक्टर सम करना है, ठीक है, तब नेट ग्रेविटी निकल जाएगी। अब इस पे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। यहाँ पे फाइंड नेट ग्रेविटी एट ओरिजिन, ओरिजिन पे नेट ग्रेविटी निकालना है, एंड द सिचुएशन इज लाइक दैट, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे एक पार्टिकल रख दिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, a, ये पार्टिकल है m1, इसका मास है m। एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे रख दिया, इट्स मास इज m2 इक्वल्स टू m, एंड इसका कोऑर्डिनेट है a, 0, और ये आ गया यहाँ पे आपका ओरिजिन, है ना। तो ये पार्टिकल सपोज कहाँ पे रखा है, a पे रखा है, ये पार्टिकल सपोज b पे रखा है, ठीक है ना। तो हमें अब इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटी निकालना कितनी आएगी दोनों पार्टिकल के कारण। तो देखो इंडिविजुअली पहले वाले पार्टिकल के कारण ग्रेविटी इधर आएगी, दिस इज जी वन वेक्टर, है ना। दूसरे वाले पार्टिकल के कारण ग्रेविटी इधर होगी, इट इज जी टू वेक्टर, दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो फिर जो रिजल्टेंट ग्रेविटी आएगी इस पॉइंट की, वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगी, दिस इज नेट ग्रेविटी एट ओ, इट इज जी वन वेक्टर प्लस जी टू वैक्टर। हाँ, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो फिर अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो इट इज अंडर रूट जी वन स्क्वायर प्लस जी टू स्क्वायर के बराबर जाएगा इसका मैग्नीट्यूड,
है ना, लेकिन नेट ग्रेविटी ये वेक्टर फॉर्म से आएगी निकल के, मैग्नीट्यूड इतना रहेगा और वेक्टर फॉर्म आपका इस तरह से लिखना है। तो अगर मैं पूरा कैलकुलेशन देखूं यहाँ पे, व्हाट इज जीवन वेक्टर, तो जीवन वेक्टर मतलब जीवन का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन तो पॉजिटिव है डायरेक्शन, इसलिए क्या जाएगा प्लस जे कैप आ गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जी इंटू एम टू डिवाइडेड बाय जी इंटू एम वन, सॉरी जी इंटू एम वन अपॉन आर वन स्क्वायर, जी अपॉन आर वन स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये किधर है, जे कैप जी इंटू स्मॉल एम, ये डिस्टेंस आर के बराबर है तो यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर और फिर हो गया जे कैप। सिमिलरली जी टू वैक्टर निकाल लो, जी टू वैक्टर मतलब ये, तो यहां पर भी आप जी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड और प्लस आई कैप इसका हो गया डायरेक्शन, वैल्यू पुट कर दो जी इंटू एम टू अपॉन आर टू स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस आई कैप, सो इट इज जी एम अपॉन ए स्क्वायर आई कैप, समझ गए, क्योंकि यहां पर का डिस्टेंस भी कितना है ए के बराबर, इसलिए हमने ए लिख दिया आर टू की जगह पे। और फिर टोटल ग्रेविटी अगर निकालना आपको ओ पॉइंट पे, तो ये दोनों का वेक्टर सम है, जी वन प्लस जी टू वेक्टर। तो इस पे देखो ये वाला टर्म आपका कॉमन है, उसको मैं बाहर निकाल दूं तो जी एम अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जे कैप प्लस आई कैप, तो ये वेक्टर सम आ गया यहाँ पे। इसका मैग्निट्यूड ले लो तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा पॉइंट ओ पे कितनी नेट ग्रेविटी आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसे करना है, समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे समझ गए, कोई डाउट है आगे बढ़ने पर अगले पेज पे आते, पेज नंबर चलते, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, ले लिए। पेज नंबर 5, नेक्स्ट है फिर हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सर हाँ सर, क्या हर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है वो उसकी खुद की ग्रेविटी होती है जो भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, हर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो अपने चारों तरफ अपनी ग्रेविटी क्रिएट करता है या ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। ठीक है सर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अपने चारों तरफ अपनी ग्रेविटी क्रिएट करेगा, अपनी फील्ड क्रिएट करेगा, जैसे कोई भी मैग्नेट हो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। हाँ, पावरफुल है या नहीं वो अलग मैटर है, जैसे ये बॉल है ये भी अपनी चारों तरफ ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है लेकिन इसके अंदर खुद की ग्रेविटी कितनी है, जीरो। हाँ, अब जैसे ये अगर मैं बॉल को छोड़ दूं तो ये नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि इसको क्या कर ले रही है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही, समझ गए, समझ गए। हाँ, हर एक ऑब्जेक्ट, मैं भी अपनी ग्रेविटी क्रिएट कर रहा हूं, तुम लोग भी अपनी ग्रेविटी क्रिएट कर रहे हो, इवन स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब अपनी ग्रेविटी क्रिएट करते हैं, लेकिन जैसे पेन की ग्रेविटी नेग्लिजिबल, ठीक है, समझ गए ना। अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग है, अर्थ सरफेस पे या हम अर्थ की बात करें तो मेरी ग्रेविटी, पेन की ग्रेविटी, वाइटबोर्ड की ग्रेविटी, स्पेन की ग्रेविटी, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ग्रेविटी किसकी यहाँ पे, अर्थ की डोमिनेटिंग, मतलब समझ गए आप, उसको ऐसा समझ लो जैसे अभी सनलाइट, और आपने अगर आप घर में बल्ब भी जला लिया तो सनलाइट ने सबको क्या कर दिया है, डोमिनेट करके रखा है सभी लाइट्स को, समझ गए। हाँ, तो बिल्कुल वैसी ग्रेविटी के लिए, तो यहाँ पे जिनने डोमिनेट करके रखा है वो कौन है, अर्थ की ग्रेविटी ने सबको डोमिनेट करके रखा। उसका रीजन है जो कांस्टेंट कैपिटल जी हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻¹⁻ −11 को खत्म करने के लिए मास भी बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए मेरी ग्रेविटी उतनी पावरफुल नहीं है, तुम्हारी ग्रेविटी उतनी पावरफुल नहीं है, ये बॉल की ग्रेविटी उतनी पावरफुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका मास बहुत कम है, तो जो कांस्टेंट वाला फैक्टर है वो तो जा ही नहीं रहा, वो तो 0.00000 देखो कितना छोटा आ रहा है वहां पे ग्रेविटी के लिए, है ना, तो वो डोमिनेटिंग फैक्टर मास, मास है वहां पे, मास जितना ज्यादा रहेगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगी, ठीक है, समझ गए। हाँ, अपन अगर सोलर सिस्टम पे देख लें अपने, तो फिर जो डोमिनेटिंग ग्रेविटी है वो किसकी है, सन की ग्रेविटी डोमिनेटिंग है फिर उस पर, समझ गए, अर्थ और प्लैनेट के कंपैरिजन पे, अरे समझ गए कि नहीं, सोलर सिस्टम पे अगर अपन ले लें तो जो डोमिनेटिंग ग्रेविटी है वो किसकी है, सन की है, फिर अगर अपन पूरे यूनिवर्स में ले लें तो फिर हमारा सोलर सिस्टम भी उसमें काम में नहीं आता, फिर जो गैलेक्सीज हैं, जो हमारी मिल्की वे है उसकी ग्रेविटी डोमिनेटिंग है फिर उस पर, अरे समझ गए कि नहीं,
हेलो सर सर हाँ अगले पेज पे आ रहा है अपन ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जो हम फार्मूला MGH लिखते थे वो क्यों लिख रहे हैं अभी हम उस पे आएंगे। ये पेज नंबर 5 ही रहेगा ना कि 6 है ये। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल U। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है ना। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। एनी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो कुछ कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको अब आगे से आप लोग याद रखोगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ये कॉन्सेप्ट है याद रखना। या फिर हम इसी को लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वर्क का कैलकुलेशन मतलब फोर्स ले लो कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लाने के लिए जो वर्क करता है वो किसके बराबर होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर। तो ये याद रखोगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे एक और तरीका हम ले लें या फिर हम ऐसा भी समझ लें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लिख दें कि इफ अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, इफ अप्लाइड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है, देन हम ऐसा भी लिख सकते हैं देन वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स आपका नेगेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये याद रखो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आगे के लिए याद रखो यहाँ पे। और ये तो हमने इंटीग्रेशन के टर्म पे लिखा है, इसको डिफरेंशियल टर्म पे भी आप लिख सकते हो कि du इज इक्वल टू, du मतलब इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। और कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से रिलेटेड है, और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया तो आप कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स ये आपस में रिलेटेड होते हैं, इस तरह से रिलेटेड होते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आगे के लिए याद रखो हमेशा के लिए इसको। ठीक है, अगले पेज पे जाएंगे, स्क्रीन शॉट लो इस पेज का, स्क्रीन शॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। सर हाँ बोलो सर। एफ अप्लाइड मतलब उसके अपोजिट में लगाना कंजर्वेटिव के, वो एग्जांपल दोनों उसका एग्जांपल ये हो गया। देख जैसे ये बॉल है मेरे पास में, है ना, अब ये बॉल खुद पर खुद तो ऊपर जाएगी नहीं, तो मुझे अप्लाइड फोर्स लगा के ऊपर ले जाना है। तो वेट के बराबर अगर मेरा अप्लाइड फोर्स है तो मैं यहाँ पे जो वर्क करूंगा वो किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। समझ गए? अच्छा। और इसमें देख बॉल को जब हम नीचे से ऊपर ले आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव, लेकिन एमजी किधर लग रहा, नीचे। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। तो मेरे हाथ के कारण मेरे हाथ से जो वर्क हो रहा वो पॉजिटिव है, तो मेरे हाथ से जो वर्क हो रहा दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, लेकिन कंडीशन रहनी चाहिए कि जो अप्लाइड फोर्स है वो कंजर्वेटिव के बराबर हो मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी आप ये लिखोगे पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं जो वर्क करूंगा हमेशा पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, जरूरी नहीं। वो तभी आएगा जब अप्लाइड फोर्स इसके बराबर होगा, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि मैं जब भी वर्क करूंगा हमेशा वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, समझ गए कि नहीं? वो तभी चेंज करेगा पोटेंशियल। सर मतलब जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके जाओगे तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाओगे ना? हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना ऐसा। अच्छा ठीक है, तो फिर आपका एक्सीलरेशन भी ग्रेविटी के इक्वल रहेगा? हाँ, ये तो अपन ने लिख ही दिया ना कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आ गई, मतलब आपको आगे सोचनी नहीं है। कंडीशन आ गई मतलब अप्लाइड फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स बिल्कुल बराबर बराबर कर दिए, तभी लिख सकते हो कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेके जाऊं तो चेंज हो रहा पोटेंशियल एनर्जी का? नहीं है ना, वैसे की वैसी हॉरिजॉन्टल पे। चेंज कब आएगा? ऊपर ले जाओगे या नीचे लाओगे तभी चेंज होगा ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। समझ गए? हाँ सर। तो ये कंडीशन है, तभी लिख सकते हो, ये हमेशा वैलिड है। ये वाली जो कंडीशन लिखे अपन ने, ये कॉन्सेप्ट हो गए, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑलवेज ये हमेशा वैलिड है। लेकिन ये वाली कंडीशन तभी वैलिड रहेगी यहां पर कि जब ये रहेगी, ये तो हमेशा के लिए वैलिड है कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखो इसको। अगले पेज पर जाते, पेज नंबर 6 पे स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। क्या बेटा? नहीं सर कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन, अगले पेज पे, पेज नंबर 6 पे। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं। Now this is page number 6. Next है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो, ये दो पार्टिकल हमने लिए, एक का मास है m1, एक का मास है m2। ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो जो फॉर्मूला है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इस कॉन्फिगरेशन का, इट इज -g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। आर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, क्या है? सिर्फ यहां पे आर है, आर स्क्वायर नहीं है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम की। लेकिन यहां पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि हियर रिफरेंस पॉइंट इज एट इनफिनिटी एंड इनफाइनाइट सेपरेशन एट r टेंस टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया आपने? r टेंस टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम्ड एज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी को कहां पे अज्यूम किया? अज्यूम्ड एज जीरो। आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहां पे माना है? इंफिनिटी पे माना है, मतलब रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे, तब ये पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। तो ध्यान है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमको सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? रेफरेंस लाइन की जरूरत होती है, और उस रेफरेंस लाइन से ही फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते कि हाँ कितना लिखना है। समझ गए कि नहीं? बिना रेफरेंस लाइन के हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख पाते। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे, जहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है। तो इस पोजिशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ये इस फार्मूला है। तो फार्मूले का जो प्रूफ है, मैं मैथमेटिकली पूरा नहीं आऊंगा, लेकिन तरीका बताता हूँ कि क्या करते हैं अपन फॉर्मूले के प्रूफ के लिए। वो हमारे लिए काम का नहीं मैथमेटिकल, है ना, ध्यान देना। प्रूफ ये इस तरह से आएगा कि यहाँ पे एक पार्टिकल को रख दो आप m1 को, ये r डिस्टेंस पे, अभी a पे ये पार्टिकल फिक्स है, और दूसरा जो पार्टिकल है m2, ये कहां से लेकर आ रहे हैं? r इक्वल्स टू इंफिनिटी से कहां पर लेकर आ रहे हो आप? इस पोजीशन तक लेकर आ रहे हो, b पोजीशन तक।
जब डिस्टेंस कितना बच रहा है यहाँ पे आर, तो इस पार्टिकल को यहां से यहां तक लाने में जो ग्रेविटी वर्क कर रही है, ठीक है, तो फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर आई इक्वल टू इंफिनिटी टू आर एफ इक्वल टू आर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फार्मूला ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का इंफिनिटी से आर तक, इस पार्टिकल एम टू को तुम लेके आ रहे हो, तो जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी का इस तरह से लिखेंगे, ये बाय डेफिनेशन आ गया, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन, ये कहां से आ गया, नहीं अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़े थे ना कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, मतलब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंफिनिटी से आर तक, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डी आर, ये इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर फार्मूला बन जाएगा आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कहां पर की एट बी की, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी पे, ठीक है, इक्वल्स टू, और इसको जब तुम सिंप्लीफाई कर दोगे पूरा तो ये आंसर बचेगा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर के बराबर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा तुम्हारा जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और फिर डी आर करोगे, तो मैं वो बीच का जो मैथमेटिक्स उस पर नहीं जा रहा हूँ, हमारे लिए काम के नहीं, इस स्टेप को जब सॉल्व करोगे तो आप ये आएगा। अब हम क्या कर लें, यहाँ पे ये वाली पोजीशन को हम सिंपली यू ट्रीट कर लें, और यहाँ पे अगर मैं इसको क्या कर लूं, जीरो एज्यूम कर लूं, है ना, तो जो फार्मूला रिड्यूस होके आएगा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर के बराबर रिड्यूस होके आएगा, तो आगे से हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आगे हमें जो भी कैलकुलेशन करने हैं वो इस तरह से लेकर ही करने हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है कैलकुलेशन में वो डेल्टा यू को निकालना होता है, यू निकालना नहीं है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता हमेशा डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा यू और वर्क डन रिलेट होते, यू और वर्क डन रिलेट नहीं होते कभी भी, डेल्टा यू एंड यू आर रिलेटेड, सॉरी डेल्टा यू एंड वर्क डन रिलेट होते, यू और वर्क डन रिलेट नहीं होते, तो इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पे जीरो मान लो या कुछ और वैल्यू मान लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी हमें किससे मतलब रहेगा, डेल्टा यू से मतलब रहेगा, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब नहीं होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, कोई डाउट है तो पूछो।